बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे सो so गाइज कर राखी की ठंडियां पधार चुकी है एंड उसी के साथ पधार चुकी है बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम जो कि विंटर में होती ही है हर किसी को सो so, उससे बचने के लिए और स्किन और पे कोई प्रॉब्लम ना हो उससे बचने के लिए लास्ट का वीडियो देखो इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ share करूंगी जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले है एंड आपके विंटर्स हो जाएंगे हैप्पी विंटर्स एंड आपका सबसे फेवरेट मौसम हो जाएगा जी हाँ so, ये सारे क्या है इसके लिए आपको लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा तो जल्दी से जाओ और वीडियो देखो और मैं चलती हूँ अपने आप को ठंड से बचाने सो विदाउटिंग टाइम लेस के स्टार्टेड सो गाइस अगर आप ग्रीन टी नहीं पीते हो ना फिर भी मैं रिकमेंड करूँगी सर्दियों में विंटर्स में आप जरूर ग्रीन टी का इंटेक करो सबसे पहले तो ग्रीन टी में के बहुत सारे फ़ायदे हैं जी हाँ अगर आप ग्लोइंग स्किन चाहते हो आपकी बॉडी से डिटॉक्स का, का काम करता है ग्रीन टी जी हाँ वैसे ही हम विंटर्स में बहुत ज़्यादा कम पानी का इंटेक करते हैं तो उसको भी ये उसका रिक्वायरमेंट भी ये पूरा करता है हमारे बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं करने देता एंड बहुत ही ग्लो प्रोवाइड करता है स्किन पर जी हाँ एंड बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करता है तो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहते हो आप लोग तो ज़रूर पिया करो नेक्स्ट फटे एडियो का प्रॉब्लम तो जरूर सबको होता ही है जी हां और महंगे महंगे पेडिक्योर कराना पड़ता है सिंपली मैं आपको बताऊं गर्म पानी में जस्ट दस जस से पंद्रह मिनट के लिए पैर को डुबा के रखो हैंड अच्छे से इसको रब कर दो आपके सारे स्किन निकल जाते हैं और अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है ना जैसे कि मुझे है मुझे आए दिन माइग्रेन होती रहती है मतलब हेड होता है बहुत ज़्यादा सो so, मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि माइग्रेन बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होता है अगर आप गर्म पानी में ऐसे पैर डुबा के रखते हो तो कुछ कनेक्शन है उतना मुझे नहीं पता है मेडिकल के बारे में बट बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है आपके मसल्स बहुत ज़्यादा शांत सा, हो जाते हैं एंड आपको विंटर्स में पैरों को ऐसे रिलैक्स फील करवाना चाहिए और देख सकते हो मेरे जो एरिया है बिल्कुल भी क्रैक नहीं है इसमें कोई लाइन्स नहीं है कोई फटे हुए नहीं है तो इसको भी ज़रूर ट्राई करना नेक्स्ट कानों में बहुत ज़्यादा खुजली सा होता है क्योंकि ये हमारे विंटर्स में ना हमारे कानों के अंदर जो जितनी भी मैल वैल है वो सूखने लगती है मतलब थोड़ा सा चिपचिपापन रहता है वो विंटर्स में सूखा सूखा सा लगने लगता है सो इसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा खुजली होती है सो हम एयरबड्स रुका देते हैं उसके वजह से और ज़्यादा पेन होता है बहुत बार सिंपली आपको एक कॉटन लेना है एंड उससे आपको फिंगर में ले के इस तरीके से और अच्छे से क्लीन करना है हमारे कानों में जो चिपचिपा जो पदार्थ जो रहता है ना वो एक तरफ़ से हमारे कानों का प्रोटेक्शन करता है ताकि कीड़े मकोड़े अंदर ना जाए तो उसको निकालने का ज़रूरत नहीं है हमेशा बहुत ज़्यादा अगर गंदा हुआ है तब साफ कर सकते हो नेक्स्ट फटे होंठ फटे लिप्स किसी को पसंद नहीं है किसी को मिलने जाते हो तो भी एम्बेरिजिंग फील होता है एंड खुद को भी नहीं अच्छा लगता है सो सबसे पहले तो चावल का आटा ले लो सिंपल हैक है एंड बहुत ही काम का है आप लोग अभी मेरा लिप्स देख सकते हो एंड इसका यूज़ करने के बाद देखना सिंपली मैंने चावल का आटा लिया है थोड़ा सा हनी लिया है अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है मैंने एंड देन इससे मैं करूँगी अपने लिप्स पे स्क्रब आप लोग देख सकते हो मेरा लिप्स अभी एंड जस्ट इसको रिमूव करने के बाद देखना इतना ज़्यादा पिंक इतना ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा एंड बिल्कुल डच स्किन की लेयर तो बिल्कुल निकल जाती है आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरा स्क्रब हो गया है जस्ट मैं इसको रिमूव करूँगी एंड लुक एट माई स्िप्स गाइज कितना ज़्यादा पिंक लग रहा है नेचुरली अभी तक मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया देख सकते हो लग रहा है जैसे पिंक लगकर कोई लिपस्टिक या फिर लिप बाम अप्लाई किया हुआ है बट ऐसा कुछ नहीं है नेक्स्ट जो है हमारे स्किन पे बहुत ज़्यादा अजीब से रूखापन डेड स्किन बहुत सारे चीज़ें जम जाती है ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स और ठंडियों में फ़ेस पैक लगाने का मन करता नहीं है सिंपली मैं इसके लिए भी एक हैक बताती हूँ जो कि मैं सच में सर्दियों में करती हूँ मेरा जो भी रेडी टू यूज़ फ़ेस पैक वो सारा रखा हुआ है मैं नहीं यूज़ करती अभी जस्ट एक से डेढ़ चम्मच बेसन ले लो उसमें थोड़ा सा हनी मिक्स करो एंड देन पानी और बहुत ही पतला सा एक लेयर बहुत ही पतला सा एक लेयर देख सकते हो उसको अप्लाई कर लो अपने पूरे स्किन पे पूरे ऑल ओवर स्किन पे एंड इसको जस्ट हमें छोड़ देना है जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता ठीक है बेसन आपको पता ही है कि नेचुरल क्लिनजर का, का काम करता है एंड बेसन से अच्छा रेमेडी तो कुछ भी नहीं होता है हर किसी को सूट करता है एंड एट माई स्किन अच्छे से क्लीन हो चुका है हाइड्रेट हो चुका है और अभी ऐसा भी कुछ नहीं लगाना चाहिए कि आपका हाइड्रेशन बिल्कुल छीन ले आपके स्किन से देन यहाँ पे मैंने एक सीरम अप्लाई किया है, उससे अपने फेस को मसाज ज़रूर करना क्योंकि अगर मसाज नहीं करोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं स्किन पे जी हाँ जैसे कि फेस झुलने लगता है झुरिया पड़ने लगती है तो इस सब से बचोगे अगर स्क्रबिंग करने के बाद भी आपका लिप्स बहुत ज़्यादा फटे फटे से हैं, तो ये वाला हैक जरूर ट्राई करना घी ले लो सिंपली थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा फिंगर पे एंड उसको अपने लिप्स पे अप्लाई करो देख सकते हो आप लोग मेरे लिप कितना ज्यादा शाइन करते हैं एंड फटे होट बहुत ज्यादा जल्दी रिकवर करते हैं घी लगाने से जी हाँ तो इसको भी जरूर ट्राई करना एंड बहुत ही ज्यादा पिंक भी हो जाता है और अगर आपकी स्किन पे ग्लो चाहते हो बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि ग्लो नहीं है रूखा सूखा सा स्किन हो जाता है तो पानी का इंटेक भरपूर करो जी हाँ इससे आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी और आपको हाइड्रेशन भी मिलता रहेगा सो गाइस ये कुछ सिंपल से हैक थे जो कि आई नो तो को पता होगा बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि ये सब तो सिंपल से हैक है बट ये रिमाइंडर है बहुत लोग भूल जाते हैं ये सब करना सो उनके लिए सो आई होप आप लोग को अच्छा लगा